दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2018 में रिलीज हुई फिल्म टॉम राइडर की, जो कि लारा क्रॉफ्ट के यूनिवर्स के एलिसिया विकांडर की सीरीज की पहली मूवी है। लारा क्रॉफ्ट के एंजेलिना जोली की सीरीज की दोनों फिल्मों पर मैंने एक्सप्लेन वीडियो बनाई है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में रिचर्ड क्रॉफ्ट हमें बताते हैं कि जापान में हिमिको नाम की एक रानी थी, जिसमें वो काफी ज्यादा काला जादू जानते थे और वो किसी को भी छूकर उन्हें मार सकते थे, और इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर उसे जापान के एक आइलैंड में छुपा दिया था। और कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा है, और रिचर्ड को वहां की लोकेशन मिल गई थी और वहां जाकर वो उसके बारे में पता लगाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च करता है। और फिर वो हिमिको की तलाश में चला गया था, जिसमें उसने अपनी बेटी लारा को छोड़ दिया था। और इस चीज को 7 साल बीत गए होते हैं और लारा बड़ी हो चुकी होती है, और फिर वो एक रिंग में एक लड़की के साथ फाइट कर रही होती है, और उसका ट्रेनर बताता है कि लारा काफी ज्यादा तेज है, और वहाँ लारा अच्छे से लड़ नहीं पाती और वो हार जाती है। और फिर वो वहाँ से निकलने तैयार होती है, और वहाँ उसकी फ्रेंड हैना उसे बताती है कि वो जानबूझकर हारी थी, और वहाँ लारा उसे हराने वाली लड़की की तारीफ करती है, और वो हैना से बात करती है, और वहीं पर उसका ट्रेनर आता है और वो बताता है कि लारा ने काफी वक्त से पेमेंट नहीं किया, तब लारा उसे बहुत ही जल्दी पैसे दे देगी ये बोलती है और वहाँ से निकलती है। और इस चीज से पता चलता है कि लारा के पास पैसों की काफी कमी है, और फिर लारा लोगों का सामान डिलीवरी करने का काम करती है, जिसमें वो एक रेस्टोरेंट में आती है और वहां से खाने का पार्सल्स लेती है, जिसमें उस रेस्टोरेंट का मालिक उसे पसंद करता है, लेकिन वो लड़का कुछ बोल नहीं पाता। और फिर लारा पार्सल लेकर निकलती है और वो अपने काम करती है, और फिर लारा अपने ऑफिस में आती है और वहां दो जन रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें लारा उन्हें रेस के बारे में पूछती है, और वो लोग बताते हैं कि शहर में साइकिल की एक रेस होती है, जिसमें कोई भी एक जन साइकिल के पीछे फॉक्स लेकर भागता है और बाकी लोग उसे पकड़ने जाते हैं, और अगर कोई उसे पकड़ नहीं पाया तो साइकिल चलाने वाले को $600 मिलते हैं। और इस चीज से लारा खुश होती है और वो ये करेगी बोलती है, जिसमें उसके साथी हंसते हैं, और वहाँ लारा तैयार हो जाती है, जिसमें वो फॉक्स लेती है और फिर रेस की जगह पर आती है और आगे बढ़ती है, और उसकी साइकिल पर पेंट निकलना शुरू होता है जिससे बाकी सब उसका पीछा कर सके, और लारा काफी तेजी से साइकिल चलाती है और वहां से निकलती है, और फिर उसके पीछे दूसरे लोग भी आते हैं और वहां लारा उन्हें पूरा शहर घुमाती है, और फिर वो एक ट्रक में छुप जाती है, और पेंट ना निकलने से सब लोग कंफ्यूज होते हैं और आसपास लारा को ढूंढते हैं, और वहां लारा बुद्ध से बचकर आगे जाती है और एक जगह से नीचे आती है, और वहां उसे एक लड़का देख लेता है, तब वो भागती है और उसे एक आदमी उसके पिता की याद दिलाता है, तब लारा दुखी होती है और वहीं पर वो पुलिस की गाड़ी से टकराती है और वो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, और फिर लारा को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और वहां एना आती है। असल में लारा के पिता रिचर्ड काफी ज्यादा रईस थे, लेकिन वो हिमिको की तलाश में गायब हो चुके थे और गवर्नमेंट ने 7 सालों में उनके मिलने की ना वजह से उन्हें मृत घोषित कर दिया था, और एना रिचर्ड की कंपनी को संभालने का काम करती है और वो लारा की गार्डियन भी होती है, और फिर वो लारा से बात करती है, जिसमें वो उसे छुड़ा देगी ये बोलती है, और वहाँ लारा को पैसे चाहिए कि नहीं ये पूछती है, जिसमें लारा पैसे लेने से मना करती है। असल में लारा क्रॉफ्ट परिवार की पूरी संपत्ति अपने कंट्रोल में नहीं लेती, क्योंकि उसने उसके पिता को मरा हुआ नहीं माना था, और उन्हें मरा हुआ मानने के बाद ही लारा के नाम पे सब प्रॉपर्टी होगी, और इसी वजह से लारा पेपर साइन नहीं करती है, और वहाँ एना उसे इस चीज के लिए समझाती है, तब लारा को पैसे नहीं चाहिए ये बोलती है, और वहाँ एना उसे बताती है कि अगर उसने पेपर साइन नहीं किया तो उसके पिता की पूरी संपत्ति गवर्नमेंट को चली जाएगी, और इस चीज से उसके पिता कभी भी खुश नहीं होगे, और वहाँ लारा इस बारे में सोचती है, और जेल से छूटकर वो अपने घर पर यानी कि एक बिल्डिंग के टेरेस पर आती है, जिसमें वो अपने पिता को याद करती है, और बचपन में वो उसे पहली बार छोड़कर हिमिको की तलाश में जा रहे होते हैं, और वहाँ लारा को उसकी माँ का वो लॉकेट देते हैं, और पोती जल्दी वापस आएगी ये बोलकर वो वहाँ से निकलते हैं। अगले दिन लारा क्रॉफ्ट टावर में आती है और वहाँ डेस्क पर उसे बुलाया जाता है, और वहाँ लारा अपना नाम बताती है, तब वो आदमी चौंक जाता है, और फिर लारा एना और वकील से मिलती है, और वकील लारा को सब पेपर्स दिखाता है, और वहाँ लारा साइन करने तैयार होती है, और वहाँ वकील बताता है कि लारा को साइन करती एक चीज उसके पिता ने देने कहा था, और वो लारा को दिखाता है जो कि एक जापनीज पजल होता है, और वहाँ लारा उसे लेकर सॉल्व करने लग जाती है, और वो काफी आसानी से उसे सॉल्व कर देती है, जिसमें लारा को उसके साथ उसके पिता की तस्वीर और एक चावी और एक पहेली मिलती है, जिसमें उसके पिता के आखिरी सफर के पहले लेटर के बारे में लिखा होता है, तब लारा इस चीज के बारे में सोचती है और वो वहां से पेपर बिना साइन किए ही निकल जाती है, और फिर लारा क्रॉफ्ट मैनर में आती है और वहां से नीचे की तरफ आती है, और वहां उनका खानदानी ग्रेवयार्ड होता है, तब वहां लारा उसके पिता की कब्र के
पास आती है जिसमें वो उनका आखिरी सफर था, और वहाँ उनके नाम के पहले लेटर को वो दबाती है। तब उसमें से एक चाबी डालने की जगह मिलती है, तब लारा उसमें चाबी डालती है और वहीं पर पास का एक दरवाज़ा खुलता है और लारा को एक खुफिया रूम मिलता है। तब लारा वहाँ नीचे आती है और वो रूम रिचार्ड का होता है जिसमें वो अपनी सारी जानकारी रखा करता था। और फिर लारा नीचे आकर सब चीज़ें देखती है और वहाँ के पेपर्स को देखने लगती है जिसमें उसके पिता के पास अलग अलग नाम के पासपोर्ट्स होते हैं, और उनसे एक रिकॉर्डिंग मिलता है। तब लारा उसे शुरू करते हैं और उसमें उसके पिता रिचार्ड का मैसेज होता है और वो बताते हैं कि उस पजल को वो सॉल्व कर लेगी, ये चीज़ उसे पता थी, और अगर वो उस जगह पर है तो शायद वो जिंदा नहीं हो गए। और फिर वो बताते हैं कि जब लारा की माँ मरी थी तब वो काफ़ी परेशान थे और वो काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते थे और उन्हें एक दूसरे डायमेंशन के बारे में पता चला था, और इसी बीच उन्हें एक हीमिको के बारे में पता चला और उन्हें लगता था कि वो लोगों को मारकर दूसरे डायमेंशन में भेज सकती है, और इसलिए वो उसे ढूंढने लगे थे। और अब उसकी जानकारी लारा को वो जला देने गए थे, तब लारा इमोशनल हो जाती है। और फिर लारा वहाँ के हीमिको के रिचार्ड की पूरी फाइल्स देखती है और वहाँ उसे रिचार्ड की एक डायरी मिलती है। असल में रिचार्ड ने जापान में उस आइलैंड के बारे में पता लगा लिया होता है और पता चलता है कि वो लू नाम के कैप्टन के साथ वहाँ पर जाने वाला था। तब लारा खुश होती है और वो अपने पिता को ढूंढने जा सकती है। और फिर लारा एक शॉप में आकर अपनी माँ का लॉकेट दिखाती है जो कि काफ़ी महंगा होता है। असल में लारा को काफ़ी ज़्यादा पैसों की वहाँ पर जाने के लिए ज़रूरत होती है, और वहाँ एलन नाम का एक आदमी और लॉकेट अपने पास रखता है और लारा को काफ़ी सारे पैसे देता है। और वो लारा को पूछता है कि वो लॉकेट उसे कहाँ से मिला, जिसमें लारा बताती है कि वो उसके पिता लाए थे। और फिर लारा वहाँ से अपने पैसे लेकर निकलती है और फिर लारा जापान पहुंचती है और वहाँ आगे बढ़ती है, और वो एक डॉक पर आकर वहाँ लू की बोट को ढूंढने लगती है जिसमें वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तब लारा वहाँ से आगे जाती है और वो सबको लू के बारे में पूछती है जिसमें उसे कोई भी कुछ नहीं बता पाता, और वहाँ कुछ लड़के आते हैं और लारा से बात करके उसका बैग लेकर भागते हैं। तब लारा उनके पीछे जाती है और वो लड़के काफ़ी आगे बढ़ते हैं। तब लारा दूसरी तरफ से जाती है और उन्हें पकड़ कर अपना बैग वापस ले लेती है। तब लड़के चाकू निकालते हैं और लारा तब डर जाती है और वहाँ से भागती है। और फिर लारा को लू की बोट दिखती है, तब वो उस पर आ जाती है और लू बाहर आता है जिसमें वो एक बेवड़ा होता है। तब वहाँ से लड़के भाग जाते हैं और वहाँ लू लारा को वहाँ से निकलने कहता है। तब लारा बताती है कि उसे ढूंढ रही थी कि वो उसके पिता को एक आइलैंड पर लेकर गया था और वहीं पर वो नशे में नीचे गिर पड़ते हैं। कुछ देर के बाद लारा उसे उठाती है और वो उसे पेपर दिखाती है जिसमें लू बताता है कि वो उसके पिता थे और 7 साल पहले वो दोनों किसी आइलैंड पर गए थे और वापस नहीं आए। और लारा समझ जाती है कि उसके पिता रिचार्ड को आइलैंड तक पहुंचाने गए थे। और फिर वो लू के साथ मिलकर मैप्स को देखती है, फिर वो लू को बताती है कि वो दोनों अपने पिता के बारे में पता लगाने के लिए उस आइलैंड पर जा सकते हैं, जिसमें लू वहाँ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है और वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया होता, ये वो बताता है। और वहाँ लारा उसके जुए के पत्ते देख लेती है, तब वो बोलती है कि वो उसे पैसा दे सकती है, जिसमें लू पैसों के लिए वहाँ जाने तैयार हो जाता है। और फिर कुछ घंटों के बाद दोनों समुद्र में आगे बढ़ते हैं और वहाँ लारा को रिचार्ड के सामान में से एक पजल भी मिला होता है, तब वो उसे देखती है, वो उसे सॉल्व करने लग जाती है। और 3 दिन तक वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं जिसमें लारा लू की मदद भी करती है और लारा हिमिको की लैंग्वेज की बुक पढ़कर उस पजल को सॉल्व करती है। और वहाँ लारा को रिचार्ड के बुक से ट्रिनिटी नाम की एक संस्था के बारे में भी पता चलता है जो कि हिमिको को ढूंढकर दुनिया में दहशत फैलाना चाहती है। फिर रात को लारा और लू बात करते हैं जिसमें लू बताता है कि उसके पिता काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे, और वहाँ लारा बोलती है कि उसके पिता को नई नई चीज़ें ढूंढने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। और फिर वो सोने जाती है और जहाज आगे बढ़ता है। और फिर लारा को याद आता है कि वो उसके पिता के साथ एरो की प्रैक्टिस कर रही थी और उसके पिता वहाँ से 7 साल पहले निकल रहे थे, और इस चीज़ से लारा परेशान होती है और वो बहुत ही जल्दी वापस आएगा ये लारा को बोलते हैं और वहाँ से निकलते हैं। और वहाँ लारा एरो चलाना में एक्सपर्ट बन जाती है। और फिर लारा जागती है जिसमें समुद्र में तूफान आया होता है और वहाँ जहाज पानी में फंसा होता है। और वहाँ लू बताता है कि उन्हें आइलैंड मिल गया है और वो लोग उसे देखते हैं जिसमें वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। तब लू बताता है कि जहाज वहाँ तक नहीं पहुँचेगा और उन्हें वहाँ से पानी में उतरना होगा। और फिर लारा अपने रूम में जाती है और अपना सामान भरती है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी उस पर उठता है। और फिर लू उसे बाहर लेता है और वहाँ काफ़ी बड़े बड़े पत्थर से जहाज टकराता है। और फिर लारा कूदती है और दूसरी तरफ आती है और वहाँ जहाज में पानी आता है और वो एक पत्थर से टकराने वाला होता है। तब लारा वहाँ से भागती है और वो पानी में कूद पड़ती है और पानी में जाकर वो लू को ढूंढती है जो कि उसे कहीं नहीं मिलता। तब लारा वहाँ से आइलैंड की तरफ जाती है और किनारे पर पहुँचती है जिसमें वहाँ उसे कुछ लोग मिलते हैं और वो लोग उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। अगले दिन लारा एक कैंप में उठती है और वहाँ उसे वॉगल मिलता है और वो उसे जानता है कि वो रिचार्ड की बेटी है, ये वो बताता है, जिसमें वो रिचार्ड की तरह ही एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है। और वहाँ लारा अपना बैग ढूंढती है जिसमें वॉगल उसे बैग दिखाता है और वो बताता है कि उसके पिता जिंदा नहीं है, उसने अपने हाथों से उन्हें मारा है और वो उसके पिता के पीछे आया था और उसके बाद वो वहाँ पर फंस गया था, जिसमें उसके पास उसकी पूरी टीम होती है और वो लोग कई सालों से वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिसमें वो लोग हिमिको के मंदिर को ढूंढ रहे हैं और वो उन्हें मिल जाएगा क्योंकि अब उसके पास रिचार्ड की डायरी है, ये वो बोलता है और वो उसे पढ़ता है, जिसमें रिचार्ड ने मंदिर को ढूंढ लिया था, ये
वो बताता है और वहाँ लारा डर जाती है। वोगेल उसे अपने साथ काम करने कहता है और फिर लारा बाहर आती है जिसमें वहाँ वोगेल की टीम मंदिर ढूंढ रही होती है और वो लोग आने वाले सभी लोगों को गुलाम बनाकर रखते हैं, जिसमें वहाँ लारा आगे बढ़ती है और एक आदमी आकर उसे बांध देता है और फिर लारा को लू दिखता है और फिर वोगेल बाहर आता है और वो बताता है कि उन्हें मंदिर का रास्ता मिल गया है और वो सब लोगों को तैयार होने कहता है और वहाँ से सभी लोग पहाड़ी की ओर ऊपर आगे बढ़ते हैं जिसमें वहाँ का सामान पटना कंपनी से आया होता है और वहाँ लारा और लू साथ में होते हैं, जिसमें लारा बताती है कि वोगेल ने उनके पिता को मारा होगा और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और फिर वोगेल आगे आकर एक जगह को देखते हैं जो कि डायरी में भी होती है। तब वो बताता है कि वही मंदिर का रास्ता है और वहाँ सब लोग काम में लगे होते हैं और वोगेल उस बुक को पढ़ता है और वहाँ लारा और लू काम कर रहे होते हैं, जिसमें एक आदमी बीमार हो रहा होता है और वो काम नहीं कर पाता। तब वोगेल उसके पास आता है और उसे वहीं पर मार देता है और उसे देखकर बाकी सब लोग काम करने लग जाते हैं और फिर वहाँ लारा भड़की हुई होती है। तब लू उसे वहाँ से भागने कहता है और वो सैनिकों को मारने लगता है। तब लारा वहाँ से भागती है और लू सबसे लड़ रहा होता है और लारा वहाँ से नीचे कूदती है और आगे बढ़ती है, जिसमें उसके पीछे कुछ सैनिक आते हैं और वहाँ से लू भी भागने जाता है। तब वोगेल उसे मारकर घायल कर देता है और फिर लारा एक नदी के ऊपर आती है और वहाँ से वो दूसरी तरफ जाने जाती है, जिसमें नदी में वो गिर पड़ती है और नदी में बहाव से आके जाती है, जिसमें सैनिक उसे देख लेते हैं और वहाँ वोगेल उसे छोड़ देने कहते हैं, जिसमें वो नदी में नहीं बच सकती ऐसा उसका मानना होता है। और फिर लारा एक जगह से नीचे गिरने वाली होती है, वहीं पर एक पुराने प्लेन को वो पकड़ लेती है जिसमें वो कई सालों से वहीं पर पड़ा होता है और वजन बढ़ने से वो टूटने वाला होता है। तब लारा उस पर चढ़ जाती है और वहाँ से भागकर वो प्लेन के अंदर आ जाती है, जिसमें वो भी गिरने वाला होता है। तब लारा वहाँ की चीजें देखती है और वो आजाद हो जाती है और वहाँ उसे एक पैराशूट दिखता है। तब वो लटक कर उसे पकड़ लेती है और लारा पैराशूट लेकर नीचे गिरती है और वो उसे ओपन करती है, जिसमें उससे लारा नीचे आ जाती है, लेकिन पेड़ के बीच में उतरने से वो घायल होती है और वहाँ लारा के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा होता है। तब वो उसे काफी मेहनत से निकालती है और फिर लारा वहाँ से आगे बढ़कर किनारे पर आती है, जिसमें वहाँ उसे दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता और वो अकेली आइलैंड पर फंसी हुई दिखती है। कुछ देर बाद रात होती है और वहाँ लारा सोई होती है। तब उसे कुछ आवाजें आती है, तब वो एक जगह पर आकर छुप जाती है और वहाँ उसे एक सैनिक पकड़ लेता है और वहाँ लारा उसे काटती है और फिर वो सैनिक उसे मारने जाता है। तब लारा उससे लड़ती है और वहाँ उसे एक पत्थर मिलता है। तब वो उस पत्थर से उसे मारती है और उसका गला पकड़ती है और वो उसे वहीं पर मार देती है, जिसमें पहली बार किसी की जान लेकर लारा डरी हुई होती है। और वहाँ वो आसपास देखती है, जिसमें उसे एक आदमी दिखता है जो कि वहाँ से भागता है। तब लारा उसके पीछे जाती है और वो आगे आती है, जिसमें वो देखती है कि वो आदमी पहाड़ों पर ऊपर चढ़ रहा है। तब लारा भी उसके पास आती है और वो भी पत्थरों से ऊपर चढ़ने लगती है और फिर ऊपर उसे एक गुफा मिलती है। तब वो उस आदमी को देखती है जो कि लारा के पिता रिचर्ड होते हैं। तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और आगे बढ़ती है और वहाँ रिचर्ड को लगता है कि वो पागल हो गया है। तब लारा उसे बताती है कि वो उसकी बेटी है और लारा अपनी स्टाइल में बाय बोलती है। तब रिचर्ड उसे पहचान लेता है और उसे वहाँ पर नहीं आना चाहिए था ये बोलता है, जिसमें लारा घायल होती है। तब रिचर्ड उसका इलाज करने लगता है, जिसमें लारा को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और फिर रिचर्ड उसे आराम करने कहते हैं, जिसमें लारा वहीं पर सो जाती है। दूसरी तरफ वोगेल पहाड़ी पर धमाके करवाता है और वहाँ उन्हें कुछ मिलता है जो कि एक रास्ता होता है और वहाँ उन्हें कोई पजल दिखता है और फिर वोगेल अपने टेंट में आता है और वहाँ से किसी को फोन करके बताता है कि उन्हें वहाँ का रास्ता मिल गया है और वो ट्रांसपोर्ट को भेजने कहता है। और फिर गुफा में लारा उठती है और वो वहाँ से आगे बढ़ती है, जिसमें उसे रिचर्ड नहीं दिखता और फिर रिचर्ड नीचे होता है। तब लारा उसके पास आती है और वो उसके बालों काटने में उसकी मदद करती है, जिसमें रिचर्ड पूछता है कि वो कौन सी कॉलेज में पढ़ रही है और वहाँ लारा बताती है कि वो पढ़ नहीं रही क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया था। और वहाँ रिचर्ड बताता है कि ये चीज़ उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन उसे हिमी को उससे दुनिया को बचाना था, जिसमें ट्रिनिटी और वोगेल उसे ढूंढकर दुनिया को तबाह करना चाहते थे और इसलिए वो वहाँ पर आया था, जिससे वो हिमी को के मंदिर को ढूंढकर उसे खत्म कर सके। और अब वोगेल को लगता है कि वो मर गया है और उसका रिसर्च लारा ने चला दिया होगा, तो इसी वजह से वो कभी भी हिमी को के मंदिर को ढूंढ नहीं पाएगा। और वहाँ लारा बताती है कि उसने रिसर्च को नहीं चलाया और वोगेल के पास उसकी डायरी है। तब वहाँ रिचर्ड भड़कता है और वो बताता है कि लारा ने दुनिया की सबसे बड़ी भूल की है, उसने रिसर्च को जला देने के लिए कहा था, भी वो उसे वहाँ पर लेकर आई। और वहाँ लारा बताती है कि वो अपने पिता को ढूंढना चाहती थी और उसका यही एक रास्ता था। और वहाँ रिचर्ड बताता है कि वो एक काफ़ी बड़ी भूल थी, जिसमें वो दुनिया को खत्म कर देंगे। तब लारा बताती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी और वो वोगेल को मंदिर में जाने से पहले ही खत्म कर देगी। और वो वहाँ से बॉ और एरोस लेती है और वहाँ से निकलती है। और फिर लारा जंगल में आगे बढ़ती है और काफ़ी तेज़ी से वोगेल के पास पहुँचती है और वो उन्हें अदूर से देखती है और धीरे धीरे आगे जाती है, जिसमें लारा वोगेल के टेंट
टेंट में आती है। वहाँ वॉगेल आता है, तब लारा छुप जाती है और दूसरी तरफ से बाहर आकर आगे बढ़ती है और वहाँ उसे लू दिखता है। तब लारा एक सैनिक को मारती है और वहाँ लारा उन सबको वहाँ से निकलने कहती है। तब वहाँ दूसरे सैनिक उन पर हमला करते हैं और तब लारा और लू उन्हें मारने लगते हैं और बाकी लोग वहाँ से भागने चाहते हैं। तब वहाँ वॉगेल भी लोगों को मारने लगता है और तब लारा और लू उनकी मदद करने लगते हैं और वहाँ दूसरी तरफ वो आती है और बो और एरो से सबको मारते मारते आगे बढ़ती है और वॉगेल के टेंट से रिचर्ड की डायरी लारा लेती है और दूसरी तरफ आती है, जिसमें वो देखती है कि रिचर्ड मिमिको के मंदिर की गुफा के दरवाजे पर खड़ा है। वो उस तरफ भागती है और फिर हमें लू दूसरे सैनिकों को मारते हुए दिखता है और वहाँ सब लोग आते हैं, जिसमें वो बताता है कि वो लारा के बिना वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर रिचर्ड गुफा के पजल को देखता है और वहाँ वॉगेल उसे पकड़ लेता है और वो उसके पास आता है, जिसमें वो उसे जिंदा देखकर शॉक होता है और वो उसे पजल सॉल्व करके अंदर जाने के रास्ता बनाने के लिए मदद मांगते हैं, जिसमें वॉगेल वहाँ से निकलकर अपने परिवार से मिलना चाहता है और वहाँ रिचर्ड बताता है कि वो उसे कभी भी नहीं खोलेगा। तब वॉगेल उसे मार देने कहता है और वहाँ लारा आती है। तब वॉगेल रिचर्ड को मार देने की धमकी देता है और वहाँ रिचर्ड वॉगेल को मार देने कहता है, लेकिन वहाँ लारा अपने पिता को खोना नहीं चाहती है, इसलिए वो वॉगेल को छोड़ देती है और वो रिचर्ड से माफ़ी मांगती है और वो पजल सॉल्व कर देगी ये बताती है। और फिर वो पजल के पास आती है और उसे देखती है और वो उसके पिता के पजल के जैसा ही दिखता है। तब लारा उसे सॉल्व करने चाहती है और आखिरी कड़ी वो हिलाती है, तब वहाँ की चीज़ें अपने आप हिलती हैं और वो पूरा पजल अंदर चला जाता है और टूट जाता है और वहाँ से एक गुफा का रास्ता बन जाता है जो कि काफ़ी नीचे तक आता है। तब वहाँ वॉगेल लारा को नीचे जाने कहता है और रस्सी से लारा नीचे आती है। वहाँ से प्राचीन मंदिर में जाने की गुफा होती है, तब वहाँ पर सब लोग नीचे आते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसमें उस जगह पर कई हज़ारों सालों से कोई भी नहीं आया होता और वहाँ काफ़ी सारे लोगों के हाड़ पिंजर भी पड़े होते हैं। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग एक गलत लादी पर पैर रख देते हैं, जिसमें चीज़ें हिलने लगती है और ज़मीन में से कुछ सले निकलते हैं और एक सैनिक मारा जाता है। और वहाँ रिचर्ड बताता है कि ये जगह खतरनाक है, यहाँ पर कोई तो चाहता है कि वो लोगों को वहाँ पर नहीं आना चाहिए। और वहाँ लारा को काफ़ी सारे लोगों के हाड़ पिंजर नीचे गिरे हुए दिखते हैं, जो कि हिमिको को वहाँ पर लाने के दौरान मारे गए थे। और फिर वो लोग एक सीढ़ी लगाकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर एक गुफा आती है और वहाँ हिमिको के चेहरे बने होते हैं और वहाँ एक आदमी फिर से गलत जगह पर पैर रख देता है, जिसमें दोनों तरफ से एक दरवाजे आते हैं और बीच में सब लोग फंस जाते हैं और वहाँ नीचे से लादियाँ नीचे गिरती हैं, जिसमें वो लोग नीचे पर गिर कर मर सकते हैं और वहाँ लारा फंस जाती है। और फिर उसे रिचर्ड ऊपर लेता है और वहाँ से एक पत्थर के पास वो आती है और वहाँ उसे खाली दी जगह दिखती है। तब लारा सबको मास्क में से चाबी निकालने कहती है और वहाँ रिचर्ड को चेहरे में से एक लाल पत्थर मिलता है, जिसमें लारा उसे यूज़ करती है लेकिन कुछ नहीं होता। और वहाँ सब लोगों को अलग अलग कलर्स के पत्थर दिखते हैं लेकिन वो कोई भी काम नहीं करते हैं और वहाँ लारा लटक जाती है क्योंकि वहाँ की सब लादियाँ गायब हो रही होती हैं। और वहाँ लारा सोचने लगती है और उसे याद आता है कि ऊपर लिखा था कि हिमी को जिंदगी बचाने के लिए मरी थी और तब वो समझती है कि जिंदगी का कलर ग्रीन है, तो वो ब्लू और येलो कलर मिलाकर ग्रीन की तैयार करके उस जगह पर डालती है और वहीं पर वो दरवाजे खुल जाते हैं। वहाँ वॉगेल उसकी तारीफ करता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर वहाँ उन्हें काफ़ी प्राचीन मंदिर दिखता है। दूसरी तरफ लू लारा के इंतजार कर रहा होता है और वहाँ सभी लोग उसके लिए रुके होते हैं और वो लोग गुफा की ओर आते हैं और नीचे सब लोग मंदिर में आगे जाते हैं, जिसमें वहाँ मरे हुए लोगों की हड्डियाँ होती है और वहाँ रिचर्ड बताता है कि हिमिको के मरने के साथ वहाँ पर सब लोग मर गए थे और वहाँ उन्हें ताबूत मिलता है। तब वो लोग उसे आकर देखते हैं और वहाँ लारा ऊपर की सब तस्वीरें देखती है और वहाँ वॉगेल ताबूत खोलेगा ये बोलते हैं और अपने सैनिकों से वो उसे खुलवा देते हैं, जिसमें उन लोगों को हिमिको का शरीर मिलता है जो कि काफ़ी फ्रेश होता है और वहाँ वो हवा के संपर्क में आते ही सड़ने लगता है और उसका पूरा शरीर सड़ जाता है। तब वॉगेल उसे निकालने कहता है और वहाँ लारा बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसमें वो पेंटिंग से लगता है कि हिमिको वहाँ पर अपनी मर्जी से आई थी और वहाँ सैनिक उसे उठाने जाते हैं। तब लारा उन्हें रोकती है और वो बताती है कि हिमिको ने खुद की जान दी थी जिससे वो दुनिया को बचा सके और वहाँ सैनिक उसे इग्नोर करके हिमिको को उठा लेते हैं और वहाँ उनका शरीर सड़ने लगता है, जिसमें लारा बताती है कि हिमिको के पास कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं थी, उसके शरीर में एक वायरस था और इसी वजह से उसके छूने से कोई भी मारा जाता था और इसी वजह से वो दुनिया को बचाने के लिए खुद वहाँ पर आकर मारी गई थी। और वहाँ वो सैनिक मारने लगते हैं, तब सब डर जाते हैं और वहाँ लारा वॉगेल को उसके बिना ही बाहर निकलने कहती है। तब वॉगेल उसकी बात नहीं सुनता और वो बोलता है कि ये चीज उसके काम आ सकती है और वो हिमिको की एक उंगली को काटता है और उसे एक पेपर बैग में डाल देता है और वहाँ से लारा सैनिक पर हमला करती है। तब वो लोग छुप जाते हैं और वहाँ लारा आगे भागती है, तब सैनिक उसके पीछे जाता है और लारा वहाँ पर गायब हो जाती है। तब सैनिक उसे ढूंढ रहा होता है और लारा एक हाड़ पिंजर के पास छुप गई होती है। दूसरी तरफ वॉगेल और रिचर्ड लड़ रहे होते हैं और वहाँ वो घायल सैनिक उठता है और रिचर्ड से लड़ता है, जिसमें रिचर्ड उसे बंदूक से मार देता है लेकिन वो उससे इन्फेक्टेड हो चुका होता है। दूसरी तरफ सैनिक लारा को ढूंढ लेता है और वो उसे बाहर निकालने जाता है। तब लारा वहाँ से भागती है और वो गलती से एक हीट पर पैर रख देती है, जिसमें ऊपर से नीचे हथियार गिरने लगते हैं। तब लारा बच बच कर आगे बढ़ती है और वहाँ सैनिक एक से मारा जाता है और फिर लारा रिचर्ड के पास
पास आती है तब वो बताता है कि वोगेल वहाँ से भाग गया है और वो उसे पकड़ कर रोकने कहती है, जिसमें लारा उसे साथ आने कहती है। और वहाँ रिचर्ड बताता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है और वो उस जगह को बर्बाद कर देगा, जिसमें लारा रोने लगती है। जिसमें रिचर्ड बताता है कि उसे दुनिया की मदद करनी होगी, जिसमें वो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और दुनिया को उसकी ज़रूरत है। वो लारा को वहाँ से निकलने कहता है, तब लारा वहाँ से एक हुक लेती है और भागती है। रिचर्ड वहाँ पर बॉम्ब लगाकर तैयार होने लगता है। दूसरी तरफ वोगेल आगे बढ़ता है, तब लारा उसके पास आती है और वो सीढ़ियों पर दोनों आ जाते हैं और वहाँ लारा उसे मारकर दूर फेंक देती है। तब वोगेल उसे पटक देता है और मारता है, तब लारा उसे पकड़ लेती है और फिर वो उसे मारने लगती है और वो सीढ़ी को नीचे फेंक देती है, जिससे वहाँ से दोनों में से कोई भी बाहर ना जा सके। और फिर वोगेल उठता है और लारा को मारने जाता है और वो गिराकर उसे मारने ही वाला होता है। दूसरी तरफ रिचर्ड बॉम्ब लगा देता है और वहाँ ब्लास्ट करवाता है और वो काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें पूरे मंदिर के साथ साथ हिमिको का पूरा शरीर भी नष्ट हो जाता है और इससे वोगेल का ध्यान हटता है। तब लारा उसे पकड़कर मारती है और हिमिको की उंगली उसे मारकर खिला देती है, जिसमें उसका पूरा शरीर सड़ने लगता है। तब लारा उसे मारकर नीचे हड्डियों के साथ गिरा देती है और धमाके से वो जगह तबाह हो रही होती है। और इस चीज़ से बाहर लोगों को पता चलता है, तब वो लोग वहाँ आसपास रुकते हैं और नीचे लारा हुक लेती है और कूदकर आगे की तरफ आती है और वहाँ लटक जाती है। और फिर वो हुक से ऊपर आती है और वो जगह तबाह हो रही होती है। तब लारा वहाँ से भागकर रस्सी पकड़ लेती है और दूसरी तरफ आती है, जिसमें वो जगह टूट पड़ती है और ऊपर से रास्ता बंद हो जाता है। और फिर ऊपर से लू पत्थरों को हटा रहा होता है और वहाँ वो लारा को बुलाता है, जिसमें उसकी आवाज़ नहीं आती। तब उसे लगता है कि वो मारी गई और वहीं पर रस्सी हिलती है। तब वो पत्थरों के बीच में से लू को लारा मिलती है, तब वो उसे ऊपर लेता है और वहाँ लारा ऊपर आकर अपने पिता के लिए दुखी होती है। तब लू उसे संभालता है और वहीं पर उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। तब वो नीचे आता है और वो लोग वोगेल को बुला रहे होते हैं और वहाँ लारा और उसकी टीम उन्हें पकड़ लेते हैं और वो लोग उस आइलैंड से वहाँ से हेलीकॉप्टर से निकलते और अपने अपने घर पर जाते हैं। कुछ महीनों के बाद लारा एना और वकील के साथ अपने पेपर्स को साइन कर देती है और वहाँ एना बताती है कि वो उसके पिता की याद दिला रही है। और वहाँ लारा अपनी सभी कंपनीज की फाइल देखती है, तब वहाँ से एना निकलती है और वहाँ लारा पेपर्स में पटना कंपनी को देखती है, जो कि क्रॉफ्ट के अंडर आती है। और अभी तक एना इस बिजनेस को संभाल रही है ये लारा समझ जाती है। तब लारा को उस पर शक होता है और वहाँ से वो क्रॉफ्ट मेंशन में आती है और वहाँ से अपने पिता की कब्र के पास वो नीचे के कमरे में आती है और वहाँ से वो पेपर्स को देखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि पटना कंपनी को एना चला रही थी और वोगेल उनके अंडर ही काम कर रहा था और एना लारा का ध्यान क्रॉफ्ट के बिजनेस में डालना चाहते थे, जिससे वो उसके अंडर ही रहकर ट्रिनिटी से पूरी दुनिया की खतरनाक चीज़ों के बारे में पता लगा सके और दुनिया में तबाही मचा सके। और वहाँ लारा उसका सामना करने के लिए तैयार होती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में लारा पैसे एलन से वापस देकर अपना लॉकेट मांगती है और वहाँ लारा को एलन की पत्नी की बनाई हुई गन्स दिखती है, जो कि उसे पसंद आती है। और वहाँ एलन की पत्नी उनकी तारीफ करती है और वहाँ लारा वैसी दो गन्स लेती है और वो वीडियो गेम की लारा के अवतार में आ जाती है। और इसी के साथ ये क्रेडिट सीन भी खत्म होता है। फिल्म का सेकंड पार्ट जरूर आएगा, जिसमें लारा एना को कैसे ठिकाने लगाती है और उसके एक नए एडवेंचर के बारे में हमें पता लगेगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो।